ये सीख है एक बूढ़े बंदर की। एक बूढ़े बंदर की कहानी शायद हमें समझाती है कि उम्र के साथ अनुभव भी बढ़ता है और हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। एक जंगल में एक बूढ़ा बंदर रहता था। वह बहुत समझदार था और कभी जंगली जानवरों की समस्याओं को हल करने में उन्हें मदद करता था। उसके पास बचपन से ही बहुत सारा ज्ञान था। वह सभी जानवरों से बड़ा था और उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था। एक दिन बूढ़े बंदर को एक बंदर ने बताया कि वह उस बुढ़ापे में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। उस जवान बंदर ने कहा कि जंगल में जवान होना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता होती है और वे अपनी समस्याओं को जल्दी से हल कर सकते हैं। बूढ़े बंदर को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। किसने जवान बंदर से कहा कि वह अब भी ज्ञानवान है और उसकी उम्र उसे अधिक समझदार बनाती है। उसने जवान बंदर से अपने अनुभव की बात सुनी। उसने जवान बंदर से अपने अनुभव की बातें सुनाई और कहा कि उसने जीवन में कई समस्याओं का सामना किया है और उन्हें हल करना सीखा है। उसने जवान बंदर से कहा कि जीवन की में उम्र नहीं बल्कि अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होता है। बूढ़े बंदर ने बताया कि उसने एक बार हमें अपने जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या का सामना किया था। वह अपने साथियों के साथ खाने के लिए एक बड़े पेड़ के पास गया था, लेकिन उस पर एक सांप बिछा हुआ था जो उन्हें बहुत खतरनाक लगा। बूढ़े बंदर ने बताया कि वह समस्या को हल करने के लिए अपने अनुभव का सहारा लिया और एक चालाकी से सांप को भगाया जो उन्हें नुकसान पहुँचा सकता था। जवान बंदर ने बूढ़े बंदर से सीखा कि अनुभव और ज्ञान किसी की उम्र या स्थिति से नहीं बंधे होते हैं और उसने अपने उम्र से भी बड़े बंदर से बहुत कुछ सीखा है और यह जाना है कि उसे हमेशा समस्या का सामना करना होगा। लेकिन उसे उन समस्याओं का बूढ़े बंदर ने जवान बंदर से बताया कि जीवन में सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें अपने अनुभव और ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। बूढ़े बंदर ने जवान बंदर को उस समय के बारे में बताया जब उसने अपनी जवानी में एक बहुत बड़ी गलती की थी। वह बहुत जिद्दी था और अपनी मनमानी करने में लगा रहता था। उसने एक बार अपने बाप से अनुमति लिए बिना शहर की यात्रा पर निकल गया था। यात्रा के दौरान वह एक जंगल में चला गया था जहाँ उसे बहुत डरावनी अनुभूतियों का सामना करना पड़ा। उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी जिससे उसे अपने दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका गंवा देना पड़ा था। जवान बंदर ने बूढ़े बंदर से सीखा कि गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए।